मुकर्रर वक्त और जगह पे हाजिर हो गया हूं मैं, तुम लोग आ सकते हो। वालेकुम अस्सलाम। इंसानों की दुनिया में तुम लोगों का खैर मकदम है। शुक्रिया काजी साहब। तुम लोगों के वालदैन के इसरार पर मैं तुम लोगों को दीन और दुनिया की तालीम देने पर राजी हो गया हूँ। मैं चाहता तो तुम लोगों को अपने चिल्लगा में भी बुला सकता था, लेकिन वहाँ ले जाकर तालीम शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों से कुछ मुआहदे करना चाहता हूँ। कैसे मुआहदे काजी साहब? ये तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि अल्लाह ने इस दुनिया में दो मखलूक ऐसी बनाई है जो अशरफ है, एक इंसान और दूसरा जिन्जात, और दोनों के लिए अलग अलग उसूल और जीने का तरीका भी बनाया है उसने। जी काजी साहब, हम इस बात से अनजान नहीं हैं। तुम सब के लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी हदें क्या होंगी। तुम लोग किसी भी इंसान के ज़ाती मामलात में या उसकी ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखलाओगे। अभी ताकत और सलाहियतों का बेजा इस्तेमाल नहीं करोगे, और कुदरत के खिलाफ जब भी कोई खड़ा हुआ है उसका अंजाम सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं हुआ। अपनी बात की दलील देने के लिए मैं तुम लोगों को एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ। आज से तकरीबन 17 साल पहले एक जिन्जाद रेशम अपनी दुनिया से हम इंसानों की दुनिया में आई, और एक इंसान जिसका नाम शाहिद था उसे दिल दे बैठी, और यहीं से शुरू हुआ दोनों की बदकिस्मती का सिलसिला। रेशम, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम आदमजात नहीं बल्कि कोई और हो। क्या हो तुम? हाँ शाहिद, मैं आदमजात नहीं हूँ, मैं जिन्जात हूँ। शाहिद, मैं एक जिन की बेटी हूँ। शाहिद बेटा जी, ये लो अंगूठी पहनाकर मांगने की रस्म पूरी करो। जी जरूर। हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ।
उम्मीद है तुम लोग मेरी बात को समझ गए होगे। आग और मिट्टी का मेल कभी मुमकिन नहीं है। गुस्ताखी माफ हो तो एक सवाल पूछूं। पूछो। रेशम और हारान की बाद में कोई खबर नहीं मिली? मैंने अपनी रियासत के बुजुर्गों की जुबानी सुना था कि शहजादी रेशम को उसकी रियासत ने तख्तो ताज छीन कर उन्हें और उनके बेटे हारान को सजा सुना दी थी। हाँ, मुझे भी बस इतनी ही इतला है। काजी साहब, क्या अभी भी रेशम और हारान जिंदा होंगे? मेरा इल्म मुझे बताता है कि दोनों जिंदा है। बहुत अफसोस के साथ हमें ये ऐलान करना पड़ रहा है कि हम रेशम को जिन जात की दुनिया के कानून तोड़ने के जुर्म में और एक आदम जात की वजह से जिन जात साहिर के कत्ल करने के जुर्म में हमने रेशम और उसकी औलाद के लिए सजाए मौत मुंतखब की है। और एक राय होकर यह भी तय पाया गया है कि रेशम के बाद इस रियासत के तख्त ताज की जिम्मेदारी जनाब सकूरा फजलबाश के सुपुर्द कर दी जाए। मुंसिफ हजरात, रहम कीजिए, एक बार फिर फैसले पर गौर कर लीजिए, इस रियासत का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। मुंसिफ हजरात, रहम, मेरी दरख्वास्त पर गौर कीजिए। मुंसिफ हजरात, लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। हम तो घबरा ही गए थे, इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहे थे और तुम खोल ही नहीं रही थी। दरअसल मैं किसी सोच में गुम थी, इसलिए गाफिल हो गई। हाँ, अपनी दुनिया के वैशी दरिंदों के नापाक हरकतों पर खो गई होगी तुम। आपको कैसे मालूम अबू? तुम्हारे माथे का पसीना पहचान चुका हूं मैं इन 17 सालों में, और ये पसीना तुम्हारे माथे पर तब आता है जब तुम्हारा जहन गुजरे हुए वक्त पे पहुंच जाता है। आखिर कब तक अपने ख्वाब ख्यालों में इन खौफनाक मंजरों को जिंदा रखकर परेशान होती रहोगी? भूल जाओ इन सबको, भूल जाओ। जब इतने सालों में कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। महफूज हो तुम यहां पर। मुझे अपनी फिक्र न कल थी और ना ही आज है। मेरी परेशानी की वजह सिर्फ आरान है। कहीं मेरी दुश्मनी की सजा दुश्मन मेरे बेटे को ना दे। और वैसे भी हारान की ताकतों से जिन और शैतान दोनों वाकिफ हैं। कहीं हारान का खौफ उन्हें धोखे से हारान को नुकसान पहुंचाने पर आमादा ना कर दे। बेटी, हारान को कुछ नहीं होगा। अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद करता है। और हमारा हारान माशाल्लाह, वो तो निहायत ही सादतमंद और सच्चा इंसान है। अब हारान का जिक्र होता रहेगा या हम लोगों को उसे एयरपोर्ट लेने चलना है, हैं? और मैं तो तुम्हें तैयार होने के लिए कह गया था ना। अब्बू, तैयार होने के लिए तो कहा था आपने, लेकिन अभी 3 घंटे बाकी है उसकी फ्लाइट आने में। देखो ना, हारान के आने की खुशी में मैं कितना बौखला गया। वक्त का भी मुझे ख्याल नहीं रहा, ये कमबख्त वक्त गुजरता क्यों नहीं। वक्त अपनी रफ्तार पे है। दरअसल हारान को देखने के लिए हमारी आंखें इतनी तरस रही हैं कि हमसे ही सब्र नहीं हो रहा।
जब से आप लोग मिले हैं हमारी बदनसीबी खुशनसीबी में तब्दील हो गई है। कभी कभी सोचती हूँ मम्मी, अगर आप लोग ना मिले होते तो क्या होता, कितने अकेले हो जाते हम। सुनो बेटा, तुमसे ज्यादा खुश नसीब तो हम हैं कि हमारी बेटी और हमारा नवासा हमारे पास है ना? हमारे अब्बू ठीक कह रहे हैं बेटी। बरसों में आपकी यही आदत नहीं छुड़ा पाई हूँ। घर को भी ऑफिस बना देते हैं। रात के 12 बजने को हैं, कितना काम करेंगे? ये मत भूलो नीलू, किसी काम की वजह से हमने सोसाइटी में इतना नाम, इज्जत और शोहरत कमाई है। बगैर काम के क्या इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा हो सकता था? आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी सेहत बिगाड़ लें आप। आखिर मुझे भी तो आपका वक्त चाहिए। आप तो छोड़ना ही पड़ेगा। लीजिए, हम बिल्कुल फ्री हैं। कहिए क्या हुक्म है सरकार का? दरअसल आई एम वेरी एक्साइटेड। इतने अरसे के बाद हमारी बेटी यूके से पढ़ाई पूरी करके आ रही है। हमारी बेटी नाजिया के आने की खुशी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। नीलू, सही कहते हैं लोग कि अल्लाह के घर देर है अंधेर। तमाम मुसीबतों के बाद अल्लाह ने आपकी शक्ल में मुझे ऐसी खुशनसीबी दी कि मेरी जिंदगी संवर गई। नाजिया की परवरिश आपने अपनी बेटी सादिया से बढ़कर की। उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि उसकी माँ कोई और है। दोनों बहनों के बीच जो बेपनाह मोहब्बत की डोर बंधी है उसका सहरा भी आपको जाता है। आपने भी कुछ कम नहीं किया है हमारी बेटियों के लिए। उनकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर मुराद को पूरा किया है आपने। उन्हें लड़कियों की तरह नहीं बल्कि लड़कों की तरह पाला है आपने। मेरी बेटियां मेरे लिए बेटों से कम नहीं है। अल्लाह उन्हें हर गम हर परेशानी से दूर रखे। आमीन। ये लाइट को क्या हुआ? मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है, मुझे तो डर लग रहा है। आप घबरा क्यों रही है? मैं हूं ना, आओ हॉल में देखते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन है वहां पर? कौन है? प्लीज आप मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। आप घबराइए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ वहां कौन है। कौन है भाई? वो देखिए वहां। कौन है वहां पर? मैं पूछता हूं कौन है वहां पर? कौन है यहां? कौन हो तुम लोग? अबू अहमद सर, ये सब क्या है? डर गए ना दोनों? भाई ये सारा प्लान जो है वो इस लड़की का। क्यों डर गए ना? कौन है, कहाँ है, कितनी आसानी से मैंने आप दोनों को बकरा बना दिया। मगर ये सब क्यों, सिर्फ हमें डराने के लिए? अरे भाई उधर तो देखो।
दादियाँ नीलू की बर्थडे का सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन दादी माँ, नीलू की सालगिरह तो कल है। पापा घड़ी तो देखिए, 12 तो बज चुके और मम्मा का बर्थडे आज है। हैप्पी बर्थडे मम्मा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मेरी गुड़िया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अब्बू। सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू मम्मा। चले केक काटे। बेटा आप तो जानती हैं कल आपकी अप्पी आ रही हैं, उनके बगैर केक काटना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। केक हम कल काटेंगे। हाँ मुझे मालूम था आप यही कहने वाली हैं, इसका इंतजाम भी मेरे पास है, वो देखिए। वालेकुम अस्सलाम। चित्रू बेटा। हाय मम्मा। हाय। I miss you so much। We miss you too बेटा। बॉबी बेटा तुम तो कल आने वाली थी। ओफो बॉबी नहीं नाजिया, अब मैं बड़ी हो गई। ओके बाबा, तो मिस नाजिया आप आज कैसे आ गई? सादिया का फोन आया, उसने कहा कि एक दिन पहले आ जाओ। और फिर मैं इस सरप्राइज में हिस्सा भी तो लेना चाहती थी। अब चलिए चलिए जल्दी करिए केक काटिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए चलिए। बेटे ये आ जाओ। कम ऑन लिट द कैंडल फास्ट। आओ नीलू कर द केक। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nilu. Happy birthday to you. ये आपने बहुत अच्छा किया साहब, पढ़ाई पूरी करके लंदन छोड़कर इंडिया वापस आ गए, वरना हमारे देश के नौजवानों का तो दिमाग खराब हो गया। पढ़ाई यहाँ से पूरी करके ऐसा कमाने के लालच में हमें भी ऑफर मिला था साहब, कनाडा में टैक्सी चलाने का। हमने तो साफ मना कर दिया। अब जो मज़ा और सुकून यहाँ की चटनी रोटी में है, वो वहाँ के बड़े बड़े पकवानों में कहाँ है साहब। सही कहा दोस्त, अपने मुल्क को छोड़ने के बाद ही उसकी अहमियत पता चलती है। सही कह रहा है। क्या मामला लगता है? ए रुको रुको पुलिस, आगे रोड ब्लॉक की हुई है, आप पीछे के रास्ते से जाइए। बात किया है साहब? टेररिस्ट लोगों ने एक लड़की को साज मल्टीप्लेक्स में होस्टेज बनाकर रखा हुआ है, इसीलिए आगे जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है। यहाँ बहुत खतरा है, आप जल्दी से निकल जाइए। जाइए। जी साहब। मैंने कहा गाड़ी रोको। हाँ साहब। रुको मैं भी आता हूं। सब सब उधर बचिए, सब सब उधर खतरा है साहब। साहब प्लीज मुझे जाने दो। हेल्प हेल्प।
वो शख्स, वो टेप करो जल्दी से, जल्दी से कैमरे में लो, जल्दी से लो प्लीज। चलो पीछे हटो, चलो चलो। अमलदार पीछे करो इन्हें, पीछे चलो, पीछे हटो, पीछे पीछे। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे प्लीज। जाने देंगे तुम्हें, जाने देंगे, पहले सरकार हमारे साथियों को छोड़ दे, रिहा कर दे, उसके बाद तुम्हें जाने दे। खड़े रहो, ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? कुछ उग्रवादियों ने एक लड़की को अपने कब्जे में ले लिया है, अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह। कहाँ चले गए थे उधर साहब आप? ऐसे मुआयना करने गया था। कमाल करते हैं सब, यहाँ बड़े बड़े सुरमा जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, वहाँ का मुआयना करने चले गए। लड़की देखा साहब आपने? हाँ, लड़की को भी देखा और टेररिस्ट को भी देखा। आपके हिम्मत की दाद देता हूँ साहब, सिर्फ उनको देखने के लिए आपने अपने जान का जोखिम ले लिया। क्या लगता है साहब आपको, क्या लड़की के बचने का चांस है? कुछ नहीं होगा लड़की को। रेशम, अरे भाई कहाँ हो? अरे फ्लाइट आने का टाइम हो गया बाबा, लेट ना हो जाए यार। चलिए, हाँ तो मैं देख रहा हूँ रेडी हो, पता नहीं तुम औरतों को तैयार होने में टाइम क्यों लगता है यार। अब चलिए भी, ताने हारान के सामने दीजिएगा और मजा आएगा। चलो ठीक, एक सेकंड। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, पहचान गया मैं, पहचान गया जी। हाँ ओके, मैं देखता हूँ अभी, एक सेकंड प्लीज। टीवी पर लाइव टेलीकास्ट आ रहा है, कुछ टेररिस्टों ने एक लड़की को बम बना दिया है, ना मालूम कौन बहादुर लड़का उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। अब इनको देर नहीं हो रही है। Thank you.
क्या पुलिस बचा लेगी उसको? कुछ और भी देखा साहब आपने? पुलिस तो नहीं, हाँ कोई ना कोई बचा ही लेगा उसको। अजीब बात नहीं है, इससे ज्यादा बात करना ठीक नहीं, खामोश रहना ही बेहतर है। लीजिए साहब, ये आपका बंगलो नंबर 7 आ गया। जो भी है देशभक्त है। सही काम कर रहा है। हमारा काम ये कर रहा है, बताओ। एक अनजान लड़की के लिए अपनी जान दांव पे लगा दिया उसने। जो भी है देशभक्त है। हाँ सही में ये देशभक्त है, जो कर रहा है ठीक कर रहा है। एक शख्स है जिसने 2 टेस्ट को खत्म किया और 1 को काबू में कर रखा है। आई होप सर शायद वो लड़की को बचा लेगा। मुझे जाने दो। कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा आपको। आपके चेहरे पर मजबूरी और परेशानी के तासुरात आपकी खूबसूरती और मासूमियत में 4 चांद लगा रहे हैं। आप इन टेररिस्ट के मरने पर रो रही हैं? मुझे पहले पता होता तो मैं इन्हें नहीं मारता। आई एम सो सॉरी। चलो। कौन है? हवा, हवा, हवा। पुलिस वाले। आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। मेहरबा हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त।
मैं गया वक्त नहीं कि फिर आ ना सकूं। अल्लाह हाफिज। आप ठीक तो हैं मैडम? कौन था वो जिसने आपकी जान बचाई? कौन था वो जिसने आपकी जान बचाई? हवा। हवा? मैं देखती हूँ। देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या आप लोग टीवी देख रहे हैं? इसका मतलब आप लोग मुझे लेने एयरपोर्ट आने वाले नहीं थे। अरे नहीं बेटा, हम लोग तो निकल ही रहे थे। इतने में पता नहीं क्या वो टीवी पे कोई न्यूज वीज आने लगी, तुम्हारे नाराज जानी ने टीवी ऑन कर दिया। मगर हारान, तुम्हारी फ्लाइट तो 2 घंटे बाद आने वाली थी ना। वो तो मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने 2 घंटे पहले की फ्लाइट पकड़ ली। बदमाश। बहुत बदमाश हो गया है। अच्छा सुनो, जल्दी से जाओ, फ्रेश होकर जाओ। बिल्कुल, बहुत सारी बातें करनी है। चल चल। 2 मिनट में। देखा, आराम के आते से ऐसा लगा जैसे घर में खुशियां आ गई हों, जिंदगी आ गई हो। अरे तुम लोग खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अरे जाओ खाना लगाओ, जो जो बनाया सब टेबल पे लगा दो। जाओ जल्दी जाओ। हमें भी फिक्र है। चल बेटी। मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा नवासा। चलो भाई बहुत वाप सोया जाए। कोई कहीं नहीं जाएगा, मुझे सबसे एक जरूरी मसले पर बात करनी है। बात तो कल भी हो सकती है अम्मी। नहीं, बात अभी होगी। सुहेल रात तक काम करता है, तुम देर रात तक किताबें पढ़ते रहते हो। सादिया रात के 2-3 बजे तक कंप्यूटर पर बैठी रहती है, और जब मैं बात करना चाहती हूँ तो टाल के कहते हो कल बात होगी। फंस गए नानू। अब आप बताइए, इस बात का कोई जवाब है आपके पास? नहीं भाई, वाकई कोई काट नहीं है। कहिए क्या बात है अम्मी। सुहेल, शादी के रिश्ते के लिए जिन लोगों का फोन आया था उनसे बात की तुमने? जी हाँ दादी, वो लोग कल आ रहे थे। शादी का रिश्ता? ये आप लोग किसकी शादी कर रहे हैं? सादिया की शादी पक्की हो रही है क्या? सिस्टर, पहले बड़ों का नंबर लगता है फिर छोटों का। क्या मेरी शादी? मगर मम्मा, मेरी तो अभी पढ़ाई पूरी हुई है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। कौन कर रहा है तुम्हारी शादी? वो लोग तुम्हें देखना चाहते थे इसलिए हमने बुला लिया। तुम लड़का देख लो, अगर तुम्हें पसंद आता है तभी हम शादी फिक्स करेंगे, और जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी शादी नहीं होगी। ओके? सिर्फ अप्पी के अप्रूव करने से कुछ नहीं होगा, मैं अप्रूव करूंगी तभी शादी होगी। अरे बेटा एक बार मिल तो लो, हम तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। आप लोग जानते हैं कि मैं आपकी बात नहीं डाल सकती। आपकी जो मर्जी न्याय करिए, मुझे अब कुछ नहीं कहना। सुहेल, कल एक बार उन लोगों को फोन करके
कंफर्म तो कर लो कि वो कितने बजे आ रही हैं। जी दादी माँ, बेहतर है। महफिल की शान तो जा चुकी है, महफिल बर्खास्त, तक लिया। चलो जी, आओ भाई, चल बदमाश, चलो। अल्लाह हाफिज। अरे अरे, ये खाना यहाँ क्यों लगाया यार? वहाँ लगाना चाहिए ना, डाइनिंग टेबल पे। आपने तो कहा था ना कि जरा जल्दी लगा दो, तो मैंने यहीं लगा दिया। और सोचा अपनी बेटी को गर्मा गर्म रोटियाँ बना के यही आपके हाथ खिलाती जाऊंगी। वो तो ठीक है, लेकिन ये अभी तक फ्रेश होके आया कितनी बार? जरा सब्र कीजिए, आ जाएगा, अब तो घर पर ही है ना। अच्छा एक बात बताओ, उसके पसंद का गाजर का हलवा बनाया नहीं बनाया? आप ही एक उसका ख्याल रखने वाले हैं, आप ही एक इसको चाहने वाले हैं। अरे हैरान हम लोगों का भी कुछ लगता है, हमें भी उसकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान है। अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस यूं ही। अम्मी अबू बस, मैं जानती हूँ कि हैरान आप दोनों की आंखों का तारा है और आप दोनों इस दुनिया के सबसे अच्छे नाना नानी हैं। तो वाकई बहुत देर हो गई, जरा देख तो बेटे। नहीं हो रहा ना सब्र, और जब मैं कह रहा था तो दम मचा रही थी। हाँ, कैसे सब्र हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी तक आया क्यों नहीं तैयार होके। आपके हैरान को मैं बुला के लाती हूँ। अरे देखने तो सही, टेस्ट करके कैसा बना। पहले मेरे नवासे को आने दीजिए। अरे चखने तो दो। पहले मेरे नवासे को आने दीजिए, उसके पहले कोई नहीं छुएगा। अच्छा इसमें क्या है? अरे वाह, बड़े अच्छी खुशबू आ रही है, आज तो उसका खाने में बड़ा मजा आएगा उसको। आए लेकिन आपको डायबिटीज है, आपको मना है। अच्छा और आपको क्या है? मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल पहले जैसी हूँ। अभी बता दूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। अल्लाह कैसी बातें करते हैं, जवान बच्चे के बाप होके जरा तो शर्म कीजिए। या तो कोई भी नहीं है। यार अपने मुल्क में कदम रखते ही दरिंदों से सामना हो गया, समझ में नहीं आता लोग बेवजह किसी की जान के दुश्मन क्यों हो जाते हैं। उस मासूम की जिंदगी से खेलते हुए उन्हें जरा भी तरस नहीं आया। चेहरा मेरी आंखों में नक्श कर गया है, इतनी खूबसूरत लड़की ना मैंने लंदन में देखी और ना ही हिंदुस्तान में। कितनी सहमी हुई थी बेचारी। यार भूख तो मुझे ये बहुत लग गई है, तुमसे बात करने के चक्कर में भूल गया कि बाहर सब बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे हो। हैरान हैरान, शहजादी साहबा मैं आपको एक बार फिर समझा रहा हूँ, सकूरा की हुकूमत में रियासत में बहुत बदचलनी पैदा हो गई है। तुम नहीं जानते कितना सुकून और कितनी राहत मिली है मुझे तुम्हें देखकर। जब शय नापाक हो तो उसके इरादे कैसे पाक हो सकते हैं। मेरी बेटी को तुम छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। लड़कियां चाहे कितना भी तरक्की कर ले, कितना भी पढ़ लिख जाए, लेकिन फिर भी वो ऐसे मौके पे नर्वस हो जाते।